नमस्कार दोस्तों दोस्तों पत्रिका न्यूज़पेपर में 10 मार्च आज की तारीख पे एक और न्यूज़ आ रही है और यहाँ पर मैं आपको पूरी इस न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की खबरें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हो या सुझाव हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपको भर्ती प्रक्रिया में कोई भी परेशानी आ रही है या आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ टाइप करें। और दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को आज ही दबाएं और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी रेलवे से भर्ती से जुड़ी हुई जो भी खबरें आपको देंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ लाइक के थंब बटन को ज़रूर दबाएँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस न्यूज़ की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो रेलवे में भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें एग्ज़ाम जो होने वाले हैं सभी भर्ती प्रक्रिया में वो होने वाले हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों यहां पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए भी देनी होगी कंप्यूटर की कठिन परीक्षा। तो दोस्तों ये कठिन परीक्षा जो है इन्होंने पर्टिकुलर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस बार जो कंप्यूटराइज एग्ज़ाम है वो उन लोगों के लिए कठिन हो रहा है जिनके लिए कि उन्हें आज तक जिन्होंने आज तक कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं दिया है और उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि इस बार जो रेलवे एग्ज़ाम निकालने जा रहा है वो काफ़ी हद तक टफ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इस बार जो जीके हैं वो जीके भी थोड़ी कम कर दी गई है क्योंकि जनरल साइंस पे और यहाँ पर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और मैथ्स पे भी। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, इस न्यूज़ की पूरी बात करते हैं। दोस्तों रेलवे में हेल्पर, सहायक पॉइंटमैन, गेटमैन, पोर्टर, हमाल, स्वीपर और ट्रैक मैनेजर जैसे ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को भारी भरकम सवाल हल करने होंगे। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, अलबत्ता उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, तर्कशक्ति, भौतिक रसायन एवं जैविक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र एवं राजनीति से जुड़े सवाल हल करने होंगे। रेलवे में 62,907 डी ग्रुप पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी गुजरना होगा। इसके तहत उन्हें 35 किलो भार उठाकर दौड़ लगानी होगी। यह परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए साथ महिला अभ्यर्थियों को भी देनी होगी। हेल्पर पद पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग जैसी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन है काफ़ी टफ है क्योंकि इस बार रिटर्न के साथ साथ आपका जो ग्रुप डी में फिजिकल है वो भी काफ़ी टफ हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करें और अगर आपके मन में कोई भी शंका होती है तो प्लीज़ आप टाइप करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। आपके पूरे सवालों के जवाब देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे, यहाँ पर हम आपको रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई सारी खबरें देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले। और दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और एग्जाम के पैटर्न्स और एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए सारे वीडियो देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबाएं, वीडियो के नीचे से लाल बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ लाइक के थंब बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।